तो आज मैं ज्वाइन करता हूं एक रैंडम लाइफस्टाइल सर्वर जिसमें मुझे पता लगता है कि मेरा दोस्त सेनपाई उसी में खेलता है और मुझे पता लगा है कि वो इस एसएमपी में एज अ किंग रहता है क्योंकि उसने इस एसएमपी के सारे मेंबर्स को हरा रखा है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी थोड़ा सामान ले लेते हैं उससे। हेलो सेनपाई। हेलो भाई, मेरे को पता लगा कि तुम इसी एसएमपी में खेलते हो और मेरा हंगर वगैरह सब जा चुका है और ये रात हो चुकी है, तो मेरे को थोड़ा सामान चाहिए। कहां पर हो आप? अरे हां, आओ ना, मेरा बेस है, मैं तुमको बता दे रहा हूं। मेरे पास बहुत कुछ है। हां, कोड भेज दो डिस्कॉर्ड पे, मैं आता हूं। अरे पास ही था मैं भाई, काफी ज्यादा यहीं पे रहते हो क्या? नाइस यार, काफी अच्छा घर है ना। अरे बहुत मस्त बनाया भाई। सामान वगैरह चाहिए मेरे को, एक सेकंड भाई। चलने की भी हालत में नहीं हुए तो उससे मेरा क्या फायदा? अरे यार क्या बताऊं, एक्चुअली किंग हो यहाँ का, पता है एसएसएमपी का? किंग हो आप? अरे नाइस, वेरी नाइस। मेरे को सामान दो ना, थोड़ा सामान दो। मुझसे सामान मांग रहे हो? वेल देखो देखो, एसएसएमपी में मैं किंग हूँ और बहुत सारी चीजें मेरे अंडर है गाइस। व्हाट? हेलो, अरे शिट, लग रहा था तुम बच जाओगे यहाँ पे आने के बाद। भाई आप मतलब मेरे को, भाई मुझे लगा कि आप मेरे दोस्त को सामान दोगे भाई। फिट यार, मैं भूल गया, लाइफ स्किल में कोई दोस्ती नहीं होती यहाँ पे ब्रो। कोई बात नहीं भाई। फिट यार, ये सेनपाई ने मार दिया, मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट कर कैसे लिया कि वो मेरे को सामान देगा यार? एक तो वो एसएमपी में लापता है, एसएमपी में मेरे को भरोसा नहीं करता, वो यहाँ उस पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? खैर छोड़ो, अभी मेरे 9 दिल हो चुके और मेरे को इस 9 दिल पे सर्वाइव करना और इसके किंगडम को मुझे ही हासिल करना है, क्योंकि इस एसएमपी का किंग तो मैं बन के रहूंगा। और गाइस, मैं एक बात आप लोगों को बताना भूल गया, अगर आप लोग भी सर्वर में खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो। अगर आपका जावा, बेडरॉक, कोई सा एडिशन है, आप किसी से भी ज्वाइन कर सकते हो। आईपी रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, फटाफट से ज्वाइन करो और मजे लो भाई। मारियो मत प्लीज। और अभी मेरे को जाना है, मतलब भाई एक भी पेड़ नहीं छोड़ा है यहाँ पर। मैं बोलने वाला था कि मुझे पेड़ काटने और मेरे को टूल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, डायमंड का आर्मर नेदरराइट में पहुंचना पड़ेगा जल्दी से, ताकि मैं उस सेनपाई से बदला ले सकूं। बट एक प्रॉब्लम है भाई, सेनपाई के पास काफी ज्यादा दिल होंगे और मेरे पास दिल नहीं है अभी कुछ भी। मेरे पास सिर्फ 9 ही दिल है और वो यहाँ का किंग है, तो ऑफकोर्स के पास भाई बहुत ज्यादा दिल होंगे। आई थिंक इस सर्वर पर मैक्स लिमिट 30 दिल की, उसके पास पक्का 30 दिल तो होंगे ही। ओके, तो काफी ज्यादा दूर चलने के बाद ये मेरे को पेड़ के नाम पर भाई जंगल बायोम मिला है और ये जंगल बायोम के पेड़ भी सारे काट रखे भाई। हेलो, अरे सिटी यार, ये पॉइजन और डाल दिया इसने भाई, वैसे कुछ नहीं है मेरे पास। नहीं नहीं भाई, मर जाऊं। नहीं 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 नहीं, इतनी प्रोग्रेस की थी, सब गई और एक और हट गया। एक सेकंड, यहाँ खुद के मरने से हट नहीं जाता। ओ पी गाइस, ये सर्वर तो काफी ज्यादा अच्छा, अगर आप प्लेयर से मरोगे तभी हट जाएगा, ऐसा जाता ही नहीं है। नाइस, तो ये बहुत अच्छी बात है, वरना मेरे पास अभी 8 हट हो जाते हैं यार। सेट और नाइस, मेरे को जंगल वायु में टेलीपोर्ट किया, तो फटाफट से चलते हैं और टूल बना लेते हैं इस बार भाई। तो मेरे को यहाँ पे आयरन भी मिल चुका है, तो मेरे को आयरन भी ढूंढने कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं किसी केव में निकल चुका हूँ, तो अपने को बस अभी आयरन और डायमंड ढूंढने यार, फटाफट से जल्दी जल्दी मिल जाए तो अच्छा है। ओके नाइस, आयरन मेरे को मिल चुका है, इसे फटाफट से स्मेल्ट करते हैं और अपना आयरन का आर्मर बना के जल्दी से रेडी करते हैं। ओके गाइस, तो अपना आयरन का आर्मर तो अभी एकदम रेडी, और बना लेते हैं अपने लिए आयरन और फिर हम जा सकते हैं डायमंड ढूंढने के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पर डायमंड ढूंढता हूँ और अपने लिए डायमंड का आर्मर कंप्लीट करता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर मेरा डायमंड का आर्मर तो बनके कंप्लीट हो चुका है और अभी भी मेरे को पता लगा है यहाँ पर सेनपाई का कासल जो कि अभी बन रहा है, उसके नीचे एक डंजन भी बनाया उन मजदूरों ने और वहाँ पर है शार्पनेस 6 की सॉर्ड। यस, आप लोगों को पता होगा कि सिर्फ माइनक्राफ्ट में शार्पनेस 5 तक सॉर्ड हो सकती है। उसके पास एक इलीगल वेपन है जो कि है शार्पनेस 6, जो कि उसी डंजन के अंदर रखा हुआ है और वहाँ पर कुछ आर्मर और अपना पूरा पीवीपी का सामान रखा हुआ है। तो मुझे यहाँ पर इतनी मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं अगर मैं उस वाले डंजन को लूट लूं। और अभी आप लोग सोच रहे हो कि मुझे ये बात कहाँ से पता लगी, तो मुझे ये बात बताई है मेरे और हम सब के प्यारे पंडित जी ने, और इतने दिनों से पता नहीं हमारे पंडित जी कहाँ घूम रहे थे, फाइनली वो वापस आ चुके और हमको अपनी सारी चीजें बताने के लिए। और पंडित जी को कुछ हमारे पुराने व्यूअर्स ही जानते हो जो मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हैं, और आप लोग भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर बनना चाहते हो तो फटाफट सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो यार, आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। जैसे मुझे पता लगता है कि वहाँ पर सारा सामान मिल जाएगा, तो बस मुझे थोड़ा सा खाना और चाहिए था क्योंकि मेरे पास खाना बिल्कुल भी नहीं था, तो फटाफट चलाता हूँ मैं खाना कलेक्ट करने के लिए और थोड़ा बहुत सामान। और जैसे मेरे पास ये सारी चीजें कंप्लीट होती है, मैं जाता हूँ सेनपाई के कासल पे। ओके गाइस, तो जैसा कि मेरे को बताया था कि यही इसी ये जो कासल है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, तो इसी के नीचे मतलब एक डंजन भी बनाया उस किंग ने, मतलब किंग काय का किंग सेनपाई चिमकांडी, छोड़ूंगा नहीं भाई उसे। तो मैं बस मेरे को अभी जाना है उधर से सामान लेना। मैंने सुना आपको शार्पनेस 6 की सॉर्ड है ब्रो, शार्पनेस 6 मतलब कितनी ज्यादा पावरफुल होती है आप लोग सोच ही सकते हो। तो सबसे पहले मेरे को इधर, ओह शिट भाई, इतने सारे बंदे पक्का मेरे को नोटिस कर लेंगे। फिर मैं अंडरग्राउंड होकर जाऊंगा और मेरे को वहीं पर जाकर देखना है वो कहां पर है, फिर इसी के नीचे होना चाहिए जो भी होगा, वो ऊपर ब्लॉक लगा था ताकि कोई देखे ना मेरे को। अभी के लिए मैं एक्स यूज करूंगा क्योंकि मेरे पास सॉर्ड से अच्छी एक्स होती है। भाई ढूंढने में टाइम लगेगा बिल्कुल, लग रहा है काफी ज्यादा, तो मेरे को सबसे पहले इधर से यूज कर तो ढूंढता रहता हूँ काफी, मतलब मेरे को नहीं पता कितना किधर, जैसे मेरे को ये भी नहीं पता कितना गहरा है, मुझे ये भी नहीं पता, बस इतना पता है कि नीचे इसके से एक डंजन तो है। A few moments later. भाई इतना टाइम हो गया यार, मिल ही नहीं रहा किधर जैसे है, वो मेरे को यही समझ नहीं आ रहा, बस मैं खोदते जा रहा हूँ भाई, खोदते जा रहा यार, मिल जा प्लीज। ओके क्या भाई, क्या सही है ये। ओके यही है वो, अच्छा अभी बन रहा है ये, मतलब ये पूरा बना नहीं है ये। ओके गाइस, ओ शिट भाई,
मैं सबसे पहले पूरा पूरा इधर चेस्ट में डालता हूँ भाई। इधर भी सल्कर, लेट्स गो, सल्कर भग रहा है इधर तो। नाइस भाई, कितना ज्यादा सामान, शिफ्ट मेरे को शिफ्ट दबा के रखना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ भाई, क्या इतना सारा सामान। तो इधर कोई नहीं आना चाहिए अभी के लिए, कोई नहीं आना चाहिए। इधर इतना इतना सारा सामान मिल चुका है मेरे को, ये पहनना अभी अभी बताता हूँ ना सेनपाई के बच्चे को भाई। मेरे से फालतू बोलेगा, मेरे को मारता है इधर आके। तो आपने 61 और मेरे को मिल गई, लेट्स गो। कह दो कि ये झूठ है। नहीं, ओ शिट, शायद किसी को पता लग चुका है कि मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझे यहाँ से फटाफट से निकलना पड़ेगा। और इन सब से अभी लड़ने का टाइम आ चुका है। ये तेरे चमचे मेरे को मारेंगे, ये तेरे चमचे। उन लोग को मैंने बहुत सामान दिया हुआ है, वो मार सकते हैं तुम्हें। अच्छा भाई, नहीं मार सकते, इनमें से कोई नहीं मार सकता मुझे। एक तो भाई तेरे एंड्रपल भाई टेलीपोर्ट ही नहीं करती कभी कभी, क्या बहुत टाइम एंड्रपल टेलीपोर्ट नहीं करती। 15-20 बंदे को तो मैं यू मार सकता हूँ, सार्पनेस 6 की स्क्वाड है भाई, चिंता मत कर। क्या होने वाला है, ये लापता नहीं है जो पीएचडी तेरे साथ हो गया यहाँ पे, तू अकेला है और तू अकेला ही मरेगा यहाँ पर। नहीं मरूंगा मैं, चिंता मत कर, तू सारे मेरे एरिया के हैं। ओ शिट भाई, नॉट फ्लेम खत्म, एक और, लेट्स गो। व्हाट या, जैसे जैसे तेरे लोग मर रहे हैं वैसे वैसे मेरी पावर बढ़ रही है, मेरे हर्ट्स बढ़ रहे हैं। Oh my gosh, guys, वो 16 hearts पे आ गया, वो उसके पास hearts भी नहीं थे starting में, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग एकदम यूजलेस हो, पता है? तुम एक बंदे को नहीं मार पाए सही में। आया सेनपाई, अब तेरी बारी। क्या तू तो अपनी हार स्वीकार करता है, ये राजपाट मेरे को देगा? नहीं, मैं ऐसे कैसे दे दूं भाई, इस चीज में मैंने बहुत टाइम से काम किया है, इतने सारे लोग एक साथ किए हैं। वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, तूने पहले वॉर किया है इधर जिसमें तू जीता था, इस वॉर में मैं जीतूंगा। ओके मेरे को स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। ओके मेरे को फायर रेसिस्टेंस की जरूरत है। वेट, मेरे पास फायर रेसिस्टेंस नहीं है। लोल, नो नो, मजा आ रहा है लापिस, मेरे पास फायर रेसिस्टेंस नहीं। ओके निकला मैं, मेरे को फायर रेसिस्टेंस लेने के लिए मेरे को सल्कर खोलना पड़ेगा। नो, ओ शिट। ओके मैं अंदर आ चुका हूँ राज भाई, टी निकल निकल। ओके 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 ओके, अभी गाइस मेरे को यहाँ पे एनचेस खोलनी पड़ेगी अपनी। मैं नहीं खोलने दूंगा। ओ शिट, कॉम्बैट में नहीं खोल सकते एनचेस। तुम यहाँ पे मरोगे यार, अच्छा लगा तुमसे। थॉन्स लगा हुआ है तेरे आर्मर पे। नो, भाई मेरे पास अगर अभी 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 मेरे पास फायर एक्सपेक्ट होती ना, मैं तेरे को छोड़ता नहीं। वो फायर एक्सपेक्ट की फायर रेजिस्टेंस, आई थिंक तू भूल गया तेरी पावर मेरे पास है शार्पनेस 6। शार्पनेस 6 हो या शार्पनेस 10 हो, किंग एंड मेरा ही है और मेरा ही रहेगा शार्पनेस। मैं जब जिस समय यहाँ पर आया था, मेरे को एक एंट्रेंस दिखी थी जो कि जहाँ सामने थी, मेरे को उधर से जाकर निकालना पड़ेगा। निकल गया सेनपाई, अभी बताता हूँ भाई तेरे को मैं। भाई गुड बाय करने का टाइम आ गया तुमको लग रहा है? हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, गुड बाय करने का टाइम तो आ गया, बट आपको मेरा नहीं। आप पास नहीं हो गया। ओह शिट, ओह शिट, बस स्पीड है, बस स्ट्रेंथ है ही नहीं। नो वेज, नो वेज, मुझे नहीं लगा था मुझे लड़ना पड़ेगा तुमसे। भाग्य क्या सेनपाई? नहीं भागे। ओ शिट भाई, क्या खतरनाक खेल कैसे रहा हूँ, मेरे को ये समझ आ रहा है। ओ खत्म, लेट्स गो, खत्म सेनपाई, ये किंगडम मेरा होएगा आपसे। तो यस गाइस, इस वॉर को तो मैं जीत चुका था और आज से यहाँ का राजा मैं था। तो ये आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करके जरूर से जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। दबा बस सब्सक्राइब कर, दबा के लाइक कर, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।